दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं स्नैपचैट का जो फोटो है वो गैलरी में लाने के लिए, सो वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उसके माध्यम से दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से आप स्नैपचैट का फोटो आप अपने गैलरी में आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को कर लेना होगा ओपन, देन ऊपर साइड में देखने को मिलते हैं सर्च वाला ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इधर स्नैपचैट लिखकर सर्च कर देना होगा। जैसे आप दोस्तों इधर स्नैपचैट लिखकर सर्च करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन। सो अब आपको क्या करना है, अगर अपडेट आया है प्ले स्टोर से स्नैपचैट एप्लीकेशन का तो दोस्तों आपको इधर से अपडेट कर लेना है। इससे दोस्तों ये होगा कि जो भी स्नैपचैट एप्लीकेशन में न्यू फीचर आया होगा इधर आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर आप इधर स्नैपचैट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप अपडेट ना करते हैं तो क्या पता दोस्तों आप इधर अपने स्नैपचैट का फोटो आप गैलरी में आप ना ले सकें। सो पहले दोस्तों आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से अपडेट चेक कर लेना होगा, एंड उसके बाद सिंपल आपको ओपन कर लेना होगा। अब दोस्तों आप जैसे ही स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मैं इधर एक फोटो को क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इधर जैसे ही बैक आता हूँ, बैक आने के बाद दोस्तों मैं जैसे ही इधर अपने गैलरी को ओपन करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो फोटो नहीं आया है। सो आपको दोस्तों कैसे आपको स्नैपचैट का फोटो आपको कैसे गैलरी में लेना है चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, इधर से आपको आ जाना होगा बैक, बैक आने के बाद दोस्तों ऊपर साइड में आपका जो भी प्रोफाइल देखने को मिल रहा है सिंपल दोस्तों आपको इस प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। देन दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ऊपर साइड में आपको एक शेयर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड उसके बगल में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि सेटिंग वाला आइकन। तो सिंपल दोस्तों आपको इस सेटिंग वाला आइकन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको करना है कुछ इस तरह का स्क्रॉल। देन दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं प्राइवेसी कंट्रोल। सो दोस्तों आपको इसी में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि मेमोरीज। तो सिंपल आपको मेमोरीज पर क्लिक कर देना होगा। देन जैसे आप दोस्तों क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं सेव बटन। तो सिंपल दोस्तों आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना होगा, एंड उसके बाद दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मेमोरीज, मेमोरीज एस कैमरा रोल, कैमरा रोल ओनली। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको मेमोरीज एस कैमरा रोल इस पर क्लिक कर देना होगा, एंड दोस्तों आपका इस पर ही क्लिक ऐसे होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आपको इधर से आ जाना होगा बैक, बैक आने के बाद दोस्तों मैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इधर एक फोटो को क्लिक कर लिया, एंड दोस्तों उसके बाद सिंपल आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपका फोटो सेव हो जाता है, सिंपल आपको इधर से बैक आ जाना होगा। एंड उसके बाद जैसे कि मैं इधर दोस्तों अपने गैलरी को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो फोटो वो आ चुका है। सो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से आप अपने स्नैपचैट का फोटो आप अपने गैलरी में आप ला सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में।